हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिम्पल में। बिहार बोर्ड द्वारा इंटर नामांकन को लेकर जो प्रथम चयन सूची आनी थी 4 तारीख को, आज के दिन वो नहीं आ सका है किसी कारणवश। इसका जो नेक्स्ट डेट रखा गया है वो कब रखा गया है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दूसरा अपडेट यहाँ पर आपको दे दें, जो उत्तर बिहार में बाढ़ के कारण जो फसल नुकसान हो चुका है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कब से चालू होगा, कौन कौन से ज़िले हैं जो इसमें शामिल हैं, और मुख्यमंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया है, वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने यहाँ पर क्या फैसला लिया है, सारा कुछ जान लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड द्वारा इंटर नामांकन को लेकर प्रथम चयन सूची 7 अगस्त को जारी की जाएगी। पहले यह सूची 4 अगस्त को जारी होनी थी। बिहार बोर्ड ने अपरिहार्य कारण बताते हुए सूची जारी करने की नई तिथि निर्धारित की है। चयन सूची में जिन छात्रों को जो कॉलेज या स्कूल आवंटित होगा उन्हें उन कॉलेज या स्कूल में नामांकन लेना होगा। प्रथम चयन सूची में चयनित छात्रों को 7 से 12 अगस्त तक नामांकन लेना अनिवार्य है। ज्ञात हो कि इंटर नामांकन के लिए 3,564 कॉलेज स्कूल के लिए 17 लाख सीटें आवंटित हैं। इस बार शिक्षण संस्थान के 7 सीटें भी बोर्ड ने बढ़ा दी हैं। स्कूलों में ऑफलाइन नामांकन लिया जाएगा। बाकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की प्राचार्य मीना कुमारी ने बताया कि ऑफलाइन नामांकन होगा। 5 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, काउंटर तैयार कर लिया गया है। बीएन कॉलेज ट्यू की प्राचार्य विजय लक्ष्मी ने बताया कि नामांकन 5 अगस्त से ऑफलाइन होगा। चयन सूची जारी होने के बाद छात्र आकर नामांकन लेंगे। हर स्कूल में 4 काउंटर बनाए जाएंगे। विज्ञान कला और वाणिज्य संकाय के लिए अलग अलग काउंटर बनाए जाएंगे। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने सभी कॉलेजों और स्कूलों को नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग रखने का निर्देश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, डीईओ कार्यालय में दिन भर लेते रहे अंक पत्र। सोमवार को पटना डीईओ कार्यालय समेत प्रदेश भर के डीईओ कार्यालय में मैट्रिक का अंक पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र स्कूल और कॉलेज प्रशासन को दिया गया। ज्यादातर स्कूल और कॉलेज प्रशासन ने सोमवार को अंक पत्र ले लिया है। अब मंगलवार को स्कूल से छात्रों को अंक पत्र दिए जाएंगे। आपको बता दें, बिहार बोर्ड जो कागजात लेने वाले हैं यहाँ पर वो कौन कौन से होंगे, तो ये सारे कागजात आपको देने होंगे। मूल अंक पत्र और मूल SLC और मूल कैरेक्टर प्रमाण पत्र और मूल औपबंधिक प्रमाण पत्र। 7 से 12 अगस्त तक होना है इंटर का नामांकन। दूसरी अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें, 7.5 लाख हेक्टेयर फसल के नुकसान का अनुमान किया जा रहा है। कृषि पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि जुलाई में राज्य में सामान्य से अधिक वर्षा होने के कारण 19 जिलों की फसल प्रभावित हुई है। प्रारंभिक सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 7.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल प्रभावित हुई है। पानी निकल जाने के बाद वास्तविक नुकसान का आकलन होगा और फिर उसकी भरपाई आपदा प्रबंधन के द्वारा तय मानकों के अनुसार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य के सारण, सिवान, गोपालगढ़, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया तथा कटिहार के कुल 215 प्रखंडों में आई बाढ़ के खरीफ फसल प्रभावित हुई है। बाढ़ राहत कार्यों में आमजनों के साथ साथ पशुओं पक्षियों का भी पूरा ख्याल रखने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में पशुओं के लिए चारा, आवश्यक दवा तथा पशु चिकित्सकों की व्यवस्था भी की गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में पशुओं के लिए शिविर लगाया गया है तथा इसके साथ कि बीमार पशुओं की चिकित्सा भी व्यवस्था की गई है। अब आपको बता दें, सहकारिता विभाग फसल सहायता योजना का आवेदन सुविधा केंद्र भी, आपको बता दें यहाँ पर किसानों को अब फसल सहायता योजना के आवेदन के लिए प्रखंड कार्यालय पर नहीं जाना होगा, वहीं अपनी पंचायत या गांव के कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC केंद्र में भी आप करवा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर हर तरह का सुविधा आपको मिलेगा। सुविधा केंद्र से भी इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। सहकारिता विभाग ने अपनी योजना को सुविधा केंद्रों से जोड़ दिया है। विभाग की नई व्यवस्था में किसानों को आवेदन का शुल्क जमा करना होगा। यह राशि विभाग तय करेगा कि सुविधा केंद्र जो राशि तय करेंगे उतना भुगतान कर आवेदन किया जा सकता है। मुफ्त में आवेदन करने की पुरानी व्यवस्था भी विभाग ने बंद नहीं की है, लेकिन इसके लिए किसानों को प्रखंड सहकारिता कार्यालय जाना होगा। वहाँ विभाग ने इसी काम के लिए एग्जीक्यूटिव सहायक बैठा रखा है। वहाँ मुफ्त में आवेदन होगा। नई व्यवस्था सशुल्क होने के बाद भी किसानों को लाभ होगा, क्योंकि दूर के किसान को प्रखंड मुख्यालय तक जाने में कम से कम 100 रुपए का औसतन खर्च आता ही है। इसके अलावा दिन भर का समय लग जाता है। कई बार जिस दिन किसान प्रखंड पहुंचते हैं उस दिन लिंक फेल हो जाता है या फिर उन्हें देरी हो जाती है और मेहनत भी उनका जया चल जाता है, उनका पंजीकरण नहीं हो पाता है और खर्च दोनों करना पड़ जाता है। तो यदि आपने अपना किसान पंजीकरण नहीं करा रखा है तो जल्दी से आपको किसान पंजीकरण करा लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें, फसल सहायता के लिए भी ऑनलाइन जल्द ही आवेदन चालू होने वाला है और यहाँ पर जो भी यहाँ पर मैंने जिले बताए उस जिले में
जो बाढ़ के कारण जो क्षति हुआ है, नुकसान हुआ है, उसका भी आपको ऑनलाइन आवेदन होने वाला है। ये थे कुछ आज के लेटेस्ट अपडेट। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करते जल्दी से लाइक। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए। मिलते हैं टुडे में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर। बाय बाय।